हाय फ्रेंड्स, कुमुद हियर। तो चलिए फिर आ गई मैं अपने लॉन गार्डन में। ये देखिए एक्जोरा के कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये वाला तो बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था अपने गुड़हल के पेड़ के ऊपर। ये देखिए, ये है वो वाला। तो इसी को कंटिन्यू करना है आज मैंने। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने इसके ऊपर जो स्प्रे किया था, नीम ऑयल का स्प्रे किया था, अपना किचन का जो लिक्विड सोप होता है उसका फ्यू ड्रॉप्स मिला के। और ये देखिए, ये है वो डंडी जो कि मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें कि एफिड्स लगे हुए थे। आप देखिए ये कितनी साफ हो गई है। और ये यूं ही नहीं साफ हो गई है फ्रेंड्स, इसको जो है, इसके लिए मुझे दूसरा भी उपाय करना पड़ा। और दूसरा उपाय ये था कि मैंने बनाया किचन लिक्विड सोप का पानी, और ब्रश के साथ मैंने ये वाले जो तने हैं इनको भी मैंने रगड़ के, इनके ऊपर जो एफिड्स थे वो भी रगड़ के मैंने थोड़ा थोड़ा निकाला, हल्का हल्का से रगड़ा तो, और फिर वो निकाला। और यू वोंट बिलीव कि इसमें से खाली एफिड्स ही नहीं निकले, ये जो इसका कालापन है ये भी निकला। तो माली की बात तो गलत हो गई। माली ने बोला था कि एफिड्स जब मर जाते हैं तो उसका वो वहीं चिपके रह जाते हैं, फिर वो उनका उनके ऊपर जब पानी पड़ता है वो नीचे गिरता है तो वो ब्लैक पानी होता है, और जो दूसरे पत्ते होते हैं वो भी काले हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया सफाई करते टाइम। ये सब कार्बन ही है, ये जितना काला काला लगा है ये कार्बन है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है पोल्यूशन से, कारों का पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन, पेंट्स के पोल्यूशंस, जो अब ये न्यू कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये देखिए ये है, फिर उसके बाद एक ये घर के सामने बना है नया वाला, तो इन सब का जो पेंट्स होते हैं, सीमेंट होता है, और भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, और कारों का स्पेशली जो पेट्रोल और फ्यूम्स वगैरह होते हैं उनसे ही ये पोल्यूशन और कार्बन इन पेड़ों को परेशान करता है। ये देखिए, तो अदरवाइज इसका कलर इस टाइप से कुछ वाइटिश होता है, गुड़हल के पेड़ का तना जो होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ तो मैंने साफ कर दिया है, कुछ आज फिर दोबारा से किया। आई थिंक वो साबुन का पानी इधर ही रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज का है, और कल का तो इससे डबल काला था, और उसमें ये एफिड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, कल तो ये पूरा एफिड से भरा हुआ था। तो थोड़ी मैंने रिसर्च भी करी इसके बारे में, तो पता लगा कि एफिड्स को पूरी तरह से जाने में कम से कम एक हफ्ता लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ्ते लगते हैं। तो बस ये प्रोग्राम चालू रहेगा, एवरी सेकेंड डे आई एम गोइंग टू क्लीन द बार्क एंड द ट्विग्स ऑफ दिस ट्री। तो फिर देखते रहेंगे हम इसकी प्रोग्रेस कैसी चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।